घर में बहू आने के बाद सास ससुर को कैसे रहना चाहिए। बुढ़ापे में सास ससुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। यदि बुढ़ापे में लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हो और बुढ़ापे को चैन से गुजारना चाहते हो तो इस कहानी को पूरी जरूर सुनना। एक समय की बात है, किसी शहर में एक रूप राम नाम का एक नामी सुनार रहता था। उसी शहर में उसकी आभूषणों की बहुत बड़ी दुकान थी। आसपास के गांव वाले सभी आभूषण खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आते थे। उस सुनार के घर में उसकी पत्नी और एक 15 साल का लड़का रहता था। सुनार की पत्नी बड़ी ही गुस्सेल स्वभाव की औरत थी। वह हमेशा सुनार से लड़ाई झगड़े करती थी। वह हमेशा सुनार पर बड़बड़ाती रहती थी, परंतु सुनार उसे कुछ नहीं कहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुनार बुढ़ा हो गया। अब सुनार अपने बेटे को दुकान पर ले जाने लगा ताकि वह दुकान का काम सीख सके और दुकान को संभाल सके। फिर धीरे धीरे सुनार का लड़का दुकान का सारा काम सीख गया और दुकान संभालने लगा। इस तरह से धीरे धीरे सुनार का लड़का नौजवान हो गया और शादी के लायक हो गया। फिर एक दिन सुनार ने सोचा कि हमारा लड़का अब नौजवान हो गया है, विवाह के योग्य भी हो गया है, दुकान का काम भी अच्छी तरीके से देख सकता है, ग्राहकों को अच्छी तरह से संभाल सकता है, क्यों ना अब हम इसका विवाह कर दें जो हमारे घर में भी पुत्र वधू आ जाए। यह सोचकर सुनार ने अपनी पत्नी से सलाह ली और अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद में दोनों पति पत्नी नज़दीक ही दूसरे शहर में लड़की देखने के लिए गए। वहां जाकर देखा तो वह लड़की भी बहुत सुंदर थी, सुशील थी। उसको देखकर सुनार और उसकी पत्नी दोनों सहमत हो गए। उस लड़की के साथ में अपने बेटे का विवाह तय कर दिया और विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी। इधर वह सुनार अपने पुत्र के विवाह की तैयारियों में लग गया। फिर एक दिन सुनार अपनी पत्नी के पास बैठकर उसे समझाने लगा और कहने लगा कि देखो, कुछ दिनों के बाद में हमारे घर पुत्र वधू आने वाली है और जब बहू आ जाएगी तो तुमको किस तरह से रहना चाहिए वह बात मैं तुमको बता रहा हूँ। आज तक जो तुम चिड़चिड़ापन दिखा रही थी वह तुमको त्यागना पड़ेगा। आज तक मैं तुम्हारी हर बात को सहन करता रहा क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और जो तुम्हारी बहू आएगी वह दूसरे की पुत्री होगी, वह तुम्हारी हर बात को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए तुम मेरी बात को गौर से समझना कि जब घर में बहू आ जाए तो सास का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र वधू को सही तरीके से समझना और उसकी रक्षा करना और उसके मन की बात को समझना और उसको देखना कि हमारे बहू पर कोई संकट तो नहीं है, कोई मुसीबत तो नहीं है, और हर परेशानी में उसका साथ देना और यदि उससे कोई गलती भी हो जाए तो उसको माफ़ करना, यही सास का कर्तव्य होता है जो मैं तुमको समझा रहा हूँ। और यदि तुम बहू से इसी तरीके से चिड़चिड़ापन का सलूक निभाओगी तो ज़्यादा दिन तक बहू और सास में नहीं बनेगी, इसलिए तुम मेरी बात को गौर से समझ लेना। सुनार की बात को सुन करके उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, यह अपना उपदेश अपने पास ही रखो, मैं सब कुछ जानती हूँ कि बहू के साथ कैसे रहना है। अपने पति के द्वारा समझाई हुई बातों को उसने अनसुनी कर दी और पूरी तरह से उन बातों पर विशेष तरीके से ध्यान नहीं दिया। पत्नी के ऐसा कहने पर वह सुनार अपने दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान को संभालने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद विवाह की तारीख आ जाती है और सुनार अपने बेटे की शादी उसी लड़की के साथ में कर देता है और पुत्र वधू को लेकर अपने घर आ जाता है। फिर जब पुत्र वधू घर पर आ जाती है तो शाम के समय सुनार अपने बेटे और पत्नी के सामने पुत्र वधू को बुलाता है और पुत्र वधू से कहता है कि बहू, आज से इस घर की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप रहा हूँ क्योंकि आज से तुम इस घर की गृहिणी हो और गृहिणी लक्ष्मी का रूप होती है। अब इस घर को आबाद करना है या बर्बाद करना है यह बेटी तुम्हारे हाथ में है क्योंकि तुम हमारे धर्म की बेटी हो। घर की सारी जिम्मेदारी सुनार ने अपने बेटे और अपनी पत्नी के सामने अपनी बहू को दे दी। उसके बाद अपनी बहू से कहा कि बहू, आज शाम का खाना तुम बनाओगी। इतना कहने के बाद अपने बेटे के साथ वह सुनार अपनी दुकान पर चला गया। दिन भर काम करने के बाद जब शाम को सुनार और उसका बेटा दुकान बढ़ाकर वापस अपने घर पर आए तब तक बहू ने खाना बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन बहू से एक गलती हो गई। वह गलती क्या हो गई कि धोखे से आटा में ज़्यादा नमक पड़ गया। फिर जब शाम को बहू ने थाली में खाना परोसा और खाना परोसकर अपने सास ससुर और अपने पति के सामने रख दिया, फिर जैसे ही सुनार ने पहला निवाला अपने मुंह में लिया तो उसे रोटी में नमक बहुत ही तेज़ लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आदर
पूर्वक भोजन को ग्रहण करने लगा। इधर सुनार के बेटे ने खाना आरंभ किया और जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में लिया तो उसे भी रोटी में नमक बहुत तेज लगा। तब उसके बेटे को गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि देख रहे हो पिताजी, आज इसने रोटी में कितना तेज नमक डाला है जो खाई भी नहीं जाती। अपने बेटे की बात को सुनकर के वह सुनार उसे समझाता है कि बेटा, हो सकता है धोखे में नमक तेज पड़ गया हो, गलती हो जाती है, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और तुम भोजन करो। अपने पिताजी की बात को सुनकर के सुनार का बेटा अपने पिताजी के साथ में भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद में सास ने खाना आरंभ किया। सास ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में लिया तो उसने भी देखा कि रोटी में नमक तेज है, लेकिन पति और बेटे ने बहू को कुछ नहीं कहा तो मुझे भी कुछ नहीं कहना चाहिए। वह भी गुस्से में थी लेकिन बहू से उसने भी कुछ नहीं कहा, उसने भी चुपचाप भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करने के बाद अपने बेटे को लेकर वह सुनार टहलने के लिए घर से बाहर निकल गया। और जब सुनार घर से बाहर निकला तो सुनार के बेटे ने कहा, पिताजी यह आपने क्या किया, आपने भी कुछ नहीं कहा और ना ही मुझे कहने दिया, आज मैं उसकी अकल ठिकाने लगा देता, इतना नमक आटे में तेज कर दिया था जो खाया भी नहीं जा रहा था, फिर भी हमने उस भोजन को खाया, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। अपने बेटे की बात को सुनकर सुनार उसे समझाता है कि बेटा, मैंने उसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि घर परिवार वालों के सामने किसी का अपमान करना अच्छा नहीं होता, अगर किसी का अपने घर परिवार वालों के सामने अपमान करोगे तो वह तुम्हारा खास इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वह उस बात का बुरा मान जाएगा और तुमसे दूर होने लगेगा, इसलिए मैंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा। बेटा कहने लगा, पिताजी मैं कुछ समझ नहीं पाया। तब सुनार अपने बेटे को समझाने लगा, बेटा आज मैं तुम्हें ऐसी अनमोल बातें बताता हूँ, इन बातों का जो भी मनुष्य ध्यान रखेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उसका बुढ़ापा भी चैन से गुजर जाएगा। फिर वह सुनार अपने पुत्र को चार बातें समझाने लगता है। वह सुनार कहने लगा, बेटा इन चारों बातों को बड़े ही गौर से सुनना और अपने जीवन में उतार लेना। पहली बात, पुरुष का कर्तव्य क्या होता है। पुरुष का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए। बेटा अपनी पत्नी से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे अकेले में प्रेम से समझाना चाहिए, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है, कोई मनुष्य गलती जानबूझकर नहीं करता, गलती धोखे में भी हो सकती है। जिस तरीके से तुम्हारी पत्नी से यह गलती धोखे में हुई होगी वही मैं तुमको समझा रहा हूँ, अगर पत्नी से गलती हो जाए तो किसी के सामने उसको डांटना नहीं चाहिए। जो लोग अपनी पत्नी को घर परिवार के सामने या किसी और रिश्तेदारों के सामने बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं, वह पत्नी उस समय तो कुछ भी नहीं कहती और बाद में वह अकेली बहुत ही रोती है, क्योंकि वह किया गया अपमान उसे बहुत बुरा लगता है। आखिर वह कर भी क्या सकती है, क्योंकि वह तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे पैरों से बंधी हुई है। और कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी होती हैं जो जवाब भी दे देती है, और वह जब जवाब देती है तो तुमने कभी सोचा है कि पति का अपमान कितना बड़ा होता होगा। इसलिए बेटा कभी भी अपनी पत्नी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपनी पत्नी को घर परिवार के सामने भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पत्नी को अकेले में ही समझाना चाहिए। बेटा इस बात का ध्यान रखना, अगर पत्नी से कोई गलती होती है तो उसे सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में ले जाकर उसे समझाना चाहिए, अच्छे तरीके से उसको समझाना चाहिए, और जब अकेले में समझाओगे तो वह तुम्हारी बात को मान जाएगी और अपनी गलती को भी स्वीकार करेगी और तुमसे प्रेम भी करेगी। और सबके सामने यदि डांटोगे तो वह तुमसे प्रेम नहीं बल्कि नफरत करने लगेगी और तुमसे दूर भागने लगेगी, जिसका अंजाम जिंदगी में दुख ही दुख होगा। तीसरी बात, पत्नी के दुख में और उसकी परेशानी में उसका साथ देना चाहिए। बेटा तुम्हें मालूम नहीं है, दूसरे बाप की ब्याही लड़की, वह बाप अपने बेटे को अपने कलेजे के टुकड़े को तुमको जिंदगी भर के लिए सौंप देता है, इसलिए पति पत्नी एक दूसरे के लिए जीवन साथी कहे जाते हैं, क्योंकि पति का कर्तव्य होता है पत्नी के दुख में और परेशानी में साथ दे और मरते दम तक साथ दे, यही पति का कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य नहीं होता है कि पत्नी पर मुसीबत आई, जैसे कोई लंबी बीमारी लग गई है या किसी प्रकार की उसको दिक्कत हो गई तो पति ने छोड़ दिया
उसको उसके मायके भेज दिया जो उसका साथ देना चाहिए था, उसका साथ नहीं दिया और अनेक बातों से उसका अपमान किया और उसको मायके भेज दिया। तो बेटा समझ लेना, ऐसा जो लोग अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो उनकी पत्नी उनको हमेशा के लिए छोड़ देती है, जिससे पति को इस संसार में ज़िंदगी भर भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना कि पत्नी के दुख और परेशानी में उसका हमेशा साथ देना, यही हर पति का कर्तव्य होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का अच्छे ढंग से पालन पोषण करना। बेटा इस बात को ज़रा गौर से समझना, अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे तरीके से कमाए हुए धन से भरण पोषण करना, कहीं चोरी डकैती और उल्टे सीधे काम करके अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश मत करना। अगर अच्छे तरीके से और मेहनत से धन कमा कर लाओगे और उसी से अपने बच्चों और अपनी पत्नी का भरण पोषण करोगे तो तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और तुम्हारे बच्चों के अंदर बुद्धि का विकास होगा और तुम्हारी पत्नी भी अच्छे तरीके से तुमसे प्रेम करेगी, उसकी भी बुद्धि सही रहेगी। और यदि चोरी डकैती और बेईमानी से घर में धन कमा कर लाओगे और उस धन को अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए खर्च करोगे तो समझ लो कि आपकी पत्नी और बच्चों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, जिससे घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही बना रहेगा और क्लेश बना रहेगा, तुम्हारे ऊपर हमेशा मुसीबत लहराती रहेगी, तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, तुम यह नहीं जान पाओगे कि सुख क्या होता है, चैन क्या होता है। बेटा मेरी इन बातों का विशेष तरीके से ध्यान रखना और अपने जीवन में इन बातों को समझकर चलना और इनका पालन करना, तुम्हारी ज़िंदगी चैन से कट जाएगी। जो सास ससुर पति इन चारों बातों को अपने जीवन में उतार कर चलते हैं, इनका पालन करते हैं, तो समझ लेना कि वह घर स्वर्ग बन जाता है और उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा और क्लेश नहीं होता है और हमेशा उस घर परिवार की ज़िंदगी सुख से व्यतीत होती है और हमेशा वे लोग चैन से रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।